तो दोस्तों सितंबर मंथ का जो सीरीज चल रहा था फिलहाल आज उसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया होगा अपने ट्रेडिंग पोजीशन को। और फिलहाल सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि सेबी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी होने वाली है जिसमें कि ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाया जाएगा। देखिए आप सभी को ये न्यूज़ पता होगी, बहुत सारे लोग इससे पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की बात है। देखिए खुशी और पैनिक दोनों नहीं होना चाहिए, एज ए ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि आपके पास एज क्या है, किस स्ट्रेटजी से किस एज के साथ आप लोग मार्केट को प्ले अप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक टाइम ऑफ फ्रीडम होगा कि आप इवनिंग में अगर कहीं बिजी हैं तो आप मॉर्निंग के शिफ्ट में काम कर सकते हैं, या मॉर्निंग में आप लोग बिजी हैं तो इवनिंग में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि मार्केट में सेबी की तरफ से जब भी कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पर पहले से रिएक्ट करने लगता है। वोलेटिलिटी आपको क्लियर कट मार्केट में दिखाई दे रही है और आज के मार्केट में तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने के लिए मिली है। अभी चलिए हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें निफ्टी की क्लोजिंग की तो 19630 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी में देखने के लिए मिली है। देखिए अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि निफ्टी कहीं कहीं आज एक बाइंग हैप्पीनेस दिखाया है। देखिए मैं निगेटिव निफ्टी में तभी होता जब 19500 के नीचे कहीं कहीं क्लोजिंग निफ्टी को मिलने लगती, लेकिन फिलहाल अभी सीनारियो उतना ख़राब नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर लार्जर टाइम फ्रेम या लार्जर स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो कहीं कहीं निगेटिव है मार्केट, बट उतना निगेटिव नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत करेक्शन चल रहा है, मार्केट साइडवे है और इस तरीके से प्लानिंग चल रही है। तो देखिए अगर मंडे को गैप अप खुलता है 19720, ठीक है 19720 ये लेवल आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो फिर बाइंग साइड के लिए ही हम लोग मार्केट में प्ले अप कर सकते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए, 19900 तक का टारगेट आप लोग लेके चल सकते हैं, ये पॉसिबल है, मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा एक प्ले अप किया है बाइंग साइड का, लेकिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में जो मिलने वाला है वो है 45,000 का। तो अगर ध्यान रखिएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों गैप अप खुलते हैं तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी को 44,750 के आसपास खुलना चाहिए। अगर यहाँ से खुलता है तो यहाँ पे सेलर्स जो कि अभी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए कहीं कहीं फिर से ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, और ये 45,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और काफ़ी अच्छा मार्केट का स्ट्रक्चर है, अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, सेबी का नया सर्कुलर आया है, और जब भी मार्केट में नई कोई न्यूज़ आती है, ग्लोबल न्यूज़ चल ही रही है, तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता ही है। तो आपको बस अपने पोजिशन साइजिंग को ध्यान रखना है, मार्केट को ट्रेड करिए, ठीक है, और इसी तरीके से बस आप अपने आप को मार्केट में बनाए रखिए। मार्केट में बनाए रखेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मेरी पोजीशन आज मैंने इसको स्क्वायर अप किया है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा इसने नीचे से बाइंग दिया है, तो ओवरऑल यहाँ भी प्रॉफिट बुक हो चुका है। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ देता रहूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम का इशू एंड सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब में एक्टिव ना रहने पाने का मेन रीज़न ये भी है। चलिए मिलते हैं एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।